मुस्लिम समाज ने जो ज्ञापन दिया है वो निराधार है, उसका कोई आधार ही नहीं है। ये क्या करते हैं कि थोड़ी सी चिंगारी डालते हैं और आग लगाने का काम इनके लोगों द्वारा किया जाता है। ये लोग पता नहीं व्यक्ति विशेष कारण से इस बागपुरा को क्या समझ रहे हैं। बिल समाज के नाम पर बोला है कि ये तो सिटी बजाते हैं, हमारे पटाखे छोड़ते हैं। कि आपके तो 60 घर हैं और हमारे 200 घर हैं, हम चाहते हैं तो उसी समय निपट लेते हैं। अवैध मस्जिद है या अवैध मदरसा है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करें। बागपुरा बालाजी को वहाँ से उठा दिया गया जो आज भी जेल के अंदर है। सार्वजनिक जगह पे झंडे लगाना बिल्कुल गलत है। आज ये हमारे को जो धमकियां दे रहे हैं ये हमारे लोगों को छेड़ते हैं। 12-1 बजे तक पुलिस प्रशासन सर्वे करे, वहाँ बैठे रहते हैं। बीते दिनों बागपुरा क्षेत्र से एक विवाद निकल कर आया था। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देते हुए अनेक प्रकार के आरोप उसमें दिखाई दिए थे। आज दूसरा पक्ष सामने आया है, इन पूरे आरोपों के खंडन के साथ साथ कुछ और भी विषय चर्चाओं में आते दिखाई दे रहे हैं। मोहन सिंह जी हमारे साथ हैं, आप बागपुरा के निवासी हैं। एक जो ज्ञापन कुछ दिनों पहले हुआ था, आज उसके प्रतिउत्तर में आप लोग आए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? सर, मुस्लिम समाज ने जो ज्ञापन दिया है वो निराधार है, उसका कोई आधार ही नहीं है। वो जिस रास्ते पे इन्होंने झंडे लगाए गए थे वो गलत लगाए गए थे, उसका सर्व हिंदू समाज द्वारा खंड विरोध किया गया था। कांकरौली पुलिस को अवगत कराया था, पुलिस के माध्यम से वो झंडे हटाए गए, किंतु आप ही के चैनल के माध्यम से हमारे को जानकारी मिली कि एक मोहतरमा सरेआम एसपी ऑफिस के अंदर सनातन धर्म और हिंदू समाज को टारगेट करते हुए कह रही थी कि आपके तो 60 घर हैं और हमारे 200 घर हैं, हम चाहते हैं तो उसी समय निपट लेते हैं। जो उन्होंने आरोप लगाए वो गलत लगाए। माँ बहन बेटियाँ उनकी भी है, हमारी भी है। सनातन धर्म वालों ने सदैव महिला की रक्षा की है और महिलाओं के सम्मान में जिया है, किसी भूखे नंगे के ऊपर कभी निहत्या के ऊपर वार नहीं किया है। आज जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को डराते, ये हमारे सनातन धर्म में नहीं है। साहब, ये लोग पता नहीं व्यक्ति विशेष कारण से इस बागपुरा को क्या समझ रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूर्व में भी ऐसी घटना घटित हो चुकी है, पथ संचलन के अंदर इन्होंने हलीम बनाने लग गए। बागपुरा चावन माता के मंदिर के बाहर पोलिया जी को उठा दिए, बागपुरा बालाजी को वहाँ से उठा दिया गया जो आज भी जेल के अंदर है, और बागपुरा चौराहे के ऊपर जो राणा जी का स्थान था वहाँ पीर साहब की मजार बना दी है। ये कहाँ तक हिंदू समाज सहन करता रहेगा? हाँ, ये यथावस्था है कि हमारे लोगों द्वारा प्लॉट दिए गए हैं, ये आके बसे हैं, मगर आज ये हमारे को जो धमकियाँ दे रहे हैं वो बहुत ही गलत है। हम प्रशासन के माध्यम से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और हमें सबल प्रदान करें। आपसे और बात करूंगा। तुलसीराम जी हमारे साथ है, अधिकारियों से आप मिले हैं, क्या कुछ वो बता रहे हैं इस पूरे प्रकरण पर? क्योंकि कुछ दिनों पहले दूसरा पक्ष भी आके गया था, आज आप लोगों ने अपनी बात रखी है। 8 तारीख रविवार को इन्होंने सार्वजनिक जगह जो होती है वहाँ पे इन्होंने जो छत डालने की वल्लिंडी आती है उस वल्लिंडी पे प्रशासन को हमने फ़ोटो भी अवगत कराए है उसका खींच कर, वल्लिंडी पर इन्होंने सार्वजनिक जगह पर झंडे लगवाए और माहौल को गरमाया इन्होंने। जैसे कि हिंदू समाज कुछ बोले और हम ये क्या करते हैं कि थोड़ी सी चिंगारी डालते हैं और आग लगाने का काम इनके लोगों द्वारा किया जाता है। वल्लिंडी पे अगर इनको झंडे लगाने का ज़रूरत पड़ रही है, इनके में जो बने हुए मकान उन पे झंडे लग रहे हैं, कभी तो ये बोर्ड लगाते हैं फलाना कॉलोनी है, ढीकड़ा कॉलोनी है, इस तरह की अलग अलग इस्लामिक गतिविधियाँ कुल मिला के बागपुरा में तेज़ करने का इनका एक वो मंशा बन चुकी है। हिंदू समाज के ऊपर आरोप लगाया कि हमारे झंडे हटा दिए, वो कर दिया। हिंदू समाज ने पुलिस प्रशासन को सूचना की, इकट्ठे हुए और तुरंत पुलिस प्रशासन ने हटाया, जबकि एक रास्ता है जो वर्षों पुराना है, इन्होंने उस रास्ते को और इनके जो मदरसा है और मस्जिद है पीछे उनको ढक कर ऊपर छत डाल दी। हिंदू समाज ने नाम नहीं लिया। अगर ऐसे ही करना होता हिंदू समाज तो उसी समय खड़ा होकर उसको रुकवा देते, लेकिन हिंदू समाज ने ये काम नहीं किया। आज उस रास्ते को इन्होंने अपना निजी रास्ता बना लिया है, जबकि हमारी बकरियां वहाँ से निकलती थी हिंदू समाज की, भील समाज की, और भील समाज के ट्रैक्टर वहाँ से खेतों में जाने के निकलते थे और उन्होंने पूरी तरह उसको चौक करके सीढ़ियाँ आगे बढ़ा के रास्ते को पूरा जाम कर दिया है। पूर्व में भी हमारे कोई कार्यक्रम होते थे तो ये हलीम बनाना चालू कर देते थे टेंट लगा के। पुलिस प्रशासन के माध्यम से 2014 में उस रास्ते को अवरुद्ध किया गया तो तुरंत उन पर कार्रवाई करते हुए उसको हटाया गया। आपका ये कहना है उस दिन भी जो कार्रवाई की गई है वो पुलिस और प्रशासन के माध्यम से हुई है, उसमें अन्य किसी मतलब क्षेत्रीय नागरिक की कोई उसमें भूमिका नहीं? वो जैसे हमने इकट्ठे हुए भाई ये
सही है गलत है, गांव वाले इकट्ठे हो गए, सबने राय मशवरा किया, उन्होंने कहा सार्वजनिक जगह पे झंडे लगाना बिल्कुल गलत है, आज ये झंडे इस जगह लगा रहे हैं। और दूसरी, आप प्रशासन द्वारा चेक करना, उस उनके मस्जिद में भी कैमरे लगे हुए हैं, दो युवक वलिंडी लेके और दूसरे चौराहे की ओर बढ़ रहे थे, ये तो पहला चौराहा था लगाया था, दूसरे चौराहे की ओर बढ़ रहे थे, तो हमने तुरंत उसका क्रिया पे प्रतिक्रिया की, प्रशासन को सूचना दी और प्रशासन ने उनको तुरंत वहाँ कहा कि गलत है, आप परमिशन लेके आई है, परमिशन हो तो लगे, और परमिशन होने के बावजूद भी सार्वजनिक जगह पे झंडे लगाना अनुचित है इस समाज को। और दूसरी उन्होंने इकट्ठे होकर भील समाज के नाम पर बोला है कि ये तो सिटी बजाते हैं, हमारे पटाखे छोड़ते हैं। आप पूरे गाँव वालों को पूछना, कभी भील समाज ने सिटी नहीं बजाई है, पटाखे नहीं छोड़े हैं, उनकी बहन बेटियों को नहीं छेड़ा है, ये हमारे लोगों को छेड़ते हैं। 12 एक बजे तक पुलिस प्रशासन सर्वे करे, वहाँ बैठे रहते हैं, और मदरसा है या वो मस्जिद है, पहले तो प्रशासन इसकी जांच करे कि वहाँ क्या गतिविधि चल रही है। मदरसा है तो मदरसा रहने दे, और मस्जिद है और लीगल है तो रहने दे। बाकी मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, आंदोलन खड़ा होगा, समाज आंदोलन खड़ा करेगा, अगर वो अवैध मस्जिद है या अवैध मदरसा है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करें। एक महीने का अल्टीमेटम दे रहे हैं, हमारे त्यौहार के बाद हम पूरे हिंदू समाज, आसपास के सभी गांवों के और पूरे जिले के कार्यकर्ता या इकट्ठे होकर उसका पूर्ण जोर पर आंदोलन करेंगे, नहीं तो 10 दिन के अंदर अंदर प्रशासन इस अल्टीमेटम दे रहे हैं, प्रशासन उसको सही का सही और गलत का गलत। अधिकारियों ने क्या कहा है आपको, अधिकारियों से आप मिले हो, उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला है? अधिकारियों ने बोला है हम पूरा इस पर फोकस करके, रेवेन्यू का मामला है, SDM को बोलेंगे और तहसीलदार को बोलेंगे, और हमारा जो कानूनी तरीके का है, एडिशनल साहब ने कहा है कानूनी तरीके की जो घटना हो रही है उस पर मैं करूंगा, और बाकी SDM साहब और जिला कलेक्टर महोदय इस पर कार्रवाई करेंगे। तो देखा आपने जो पूरा विषय निकल कर आया था, जिस विषय के बारे में लगातार अलग अलग चर्चाएं चल रही थी, कुछ दिनों पहले आरोप भी लगाए गए थे, आज न केवल एक बड़ी संख्या में बागपुरा क्षेत्र के ग्रामीण यहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने आरोपों का खंडन किया है, प्रत्येक आरोप के जवाब में उन्होंने ये कहा है कि ये तमाम आरोप निराधार है, और साथ ही प्रशासन से बड़े स्पष्ट शब्दों में ये आग्रह करते दिखाई दे रहे हैं कि इन तमाम गतिविधियों पर पाबंदी लगे। अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है उसकी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।